तो हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। योजनाओं के क्या क्या उद्देश्य हुआ करते थे, चार उद्देश्य हम लोगों ने बात की थी कि कौन कौन से उद्देश्य थे। पहला था समृद्धि, क्या था समृद्धि। दूसरा क्या था आधुनिकीकरण, ठीक है। तीसरा क्या था बताइए, तीसरा उद्देश्य था आत्मनिर्भरता। और चौथा क्या था, याद करो यार, चौथा क्या था, चौथा उद्देश्य क्या था, चौथा उद्देश्य था समानता, ठीक। ये चार हमारे उद्देश्य थे किसके, पंचवर्षीय योजनाओं के। तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं अभी, कृषि क्षेत्र की बात कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र की बात सबसे पहले क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि देश की आजादी के समय लगभग 75% लोग, चार में से तीन लोग खेती पर काम करते थे, खेती का ही काम करते थे। और खेती का जो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था है उसमें भी बहुत बड़ा योगदान हुआ करता था, है ना। लेकिन खेती में क्या क्या दिक्कत थी, समृद्धि हुई क्या, क्या ग्रोथ हुई, कब, अंग्रेजों के समय, नहीं हुई। हम लोगों ने पहले चैप्टर में देखा था, पहले अध्याय में देखा था ना कि खेती में कोई हमारे यहाँ बढ़ोतरी हुई नहीं। साथ में आधुनिकीकरण हुआ क्या, नहीं हुआ। ना ही उन्नत किस्म के बीज थे हमारे पास, ना ही हमारे पास ट्रैक्टर हुआ करते थे, मशीन्स नहीं हम लोग प्रयोग कर पाते थे। साथ में कैसे खाद डालनी, हमारे पास अच्छी खाद नहीं हुआ करती थी, फर्टिलाइजर अच्छे नहीं होते थे, तो यहाँ पर आधुनिकीकरण भी नहीं हुआ। आत्मनिर्भरता की, अगर आत्मनिर्भर हम होते तो हमारे यहाँ भुखमरी कभी भी नहीं पड़ी होती। हालांकि भुखमरी करने में अंग्रेजों की कुटिल योजनाओं का बहुत बड़ा रोल था, वो हमारे यहाँ से सामान ले जाते थे तो हमारे यहाँ भुखमरी भी हुई, वो भी कारण था। लेकिन उसके बाद भी अगर हमारे यहाँ उत्पादन बहुत ही ज्यादा हो रहा था तो हमारे यहाँ फिर भुखमरी नहीं होती। तो हम एक तरह से आत्मनिर्भर भी नहीं थे, लेकिन थोड़ा बहुत आत्मनिर्भर मान सकते हैं इस सेंस में कि हमें किसी दूसरे देश की टेक्नोलॉजी या फिर किसी दूसरे देश के लोगों पर, किसी दूसरे देश के संसाधनों पर उतना निर्भर नहीं होना पड़ता था। लेकिन आत्मनिर्भर हम इसलिए भी नहीं थे क्योंकि आजादी के बाद भी, मैंने आपको बताया था पहले, PL 480 किस्म का एक गेहूं था जो हम लोग अंग्रेजों अमेरिका से मंगा रहे थे। कब, जब हमारे देश में खाद्यान्न की कमी हो गई थी, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, देश के महानतम प्रधानमंत्री में से एक थे वो। तो चौथा पॉइंट क्या था हमारा उद्देश्य, समानता का। समानता थी क्या, क्या सबके पास लगभग लगभग बराबर जमीन थी? कई जगह पर जमींदारों के पास बहुत जमीन है, कई ऐसे ऐसे जमींदार थे जिनको कभी कुछ लेना देना नहीं है, कभी गांव में आएंगे नहीं, जमीन अच्छी हो रही खराब हो रही उनको कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ मतलब किससे था, लगान से। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग थे। तो इन चारों उद्देश्यों में अगर देखोगे आप तो खेती की हालत बहुत खराब थी। तो सोचा गया कि यार ऐसा करते हैं कि खेती में सुधार लेकर के आते हैं, क्या करके सुधार लेकर के आते हैं, जिससे कि समृद्धि हो, क्या हो, समृद्धि हो, आधुनिकीकरण किया जाए और क्या हो, आत्मनिर्भर बनाया जाए देश को भी और खेती करने वाले लोगों को भी, और समानता लाई जाए। तो क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कोई ऐसा उदाहरण है क्या कि जहां पर कुछ किया गया जिसकी वजह से खेती काफी अच्छी हो गई? तो हमें एक जगह से सीख मिली, कहां से, सोवियत संघ से। सोवियत संघ से यहां पर जो सीख थी, देखिए योजनाएं बनाने में भी हमें सोवियत संघ से सीख मिली थी क्योंकि उन्होंने बहुत कम समय में बहुत अच्छी प्रगति की थी, लेकिन यहां पर हमें सोवियत संघ की गलती से सीख मिली। वहां पर तो उन्होंने कुछ अच्छा किया तो उससे सीख मिली, किसी की गलती से भी हम सीख सकते हैं। किसी ने कुछ किया और वो गलत हो गया तो हमें समझ में आएगा कि हाँ ऐसे नहीं करना है। इन्होंने क्या गलती की थी, गलती की थी, ध्यान रखना, गलती इन्होंने ये की कि सोवियत संघ में प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था, किसी की खुद की निजी कोई संपत्ति है नहीं। अब जो किसान है खेती करने वाला, उसका काम क्या है, उसके काम है कि आप खेती करो, आपको कितने पैसे मिलेंगे उसके बदले में वो निर्भर ही नहीं करता कि आप कितना उत्पादन कर रहे हो, समझ रहे हो आप। आपने खेती किया, आपकी फसल तैयार हो गई, फसल तैयार होने के बाद से आपको इस बात पे पैसे नहीं मिलेंगे कि आपने फसल कितनी बनाई, आपको पैसे इस बात के मिलेंगे कि आप खेती कर रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो। क्यों, क्योंकि एकदम जब कम्युनिस्ट सिस्टम होता है, कैसा कम्युनिस्ट, उसको हम लोग साम्यवादी बोल सकते हैं, वैसे उसका थोड़ा सा हल्का वर्जन होता है, वो समाजवाद होता है। समाजवाद को ही आप और ज्यादा समाज की तरफ ले जाना स्टार्ट कर दो, और ज्यादा कठिन बना दो, जिसमें सब कुछ सिर्फ समाज का है, इंसान का अकेले का कुछ है ही नहीं, तब उसको हम लोग बोल देते हैं कम्युनिज्म। क्या बोल देते हैं, कम्युनिज्म। तो समाजवाद का ही, इसी को हम लोग हिंदी में साम्यवाद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साम्यवाद। समाजवाद तो होता है आपका सोशलिज्म, क्या होता है, सोशलिज्म, ठीक। कम्युनिज्म क्या हो गया आपका, साम्यवाद। अब हुआ क्या यार, कि जब किसी की जमीन नहीं है किसानों की, तो किसानों को तो इससे फर्क ही नहीं पड़ता था कि जो फसल हो गई है हमें तो क्या करना है, उस सब फसल को एक जगह से पैक करके दूसरी जगह भेजना है। तो किसान क्या करते थे, किसान सड़े गले फल और अच्छे फल एक साथ पैक करके भेज देते थे। क्यों, क्योंकि उन्हें इस बात से फर्क ही नहीं पड़ रहा है, उन्हें तो बस ये फर्क पड़ रहा है कि आपने फसल तैयार कर ली, आप भेज दो, उन्हें इस बात से फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अभी सारे लोग, सारे किसान जानते हैं
कि आप सड़ी चीज के साथ अगर अच्छी चीज रख दोगे तो अच्छी चीज भी खराब हो जाएगी, तो पैदावार तो पूरी कम हो जाएगी, उसका कोई उपयोग नहीं हो पाएगा। लेकिन किसान ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि किसानों के पास कोई इंसेंटिव नहीं था। क्या नहीं था? कोई प्रेरणा नहीं थी। प्रेरणा क्यों नहीं थी? क्योंकि अगर वो खराब भी भेज रहे तब भी उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा, अच्छा भी भेज रहे तो भी फर्क नहीं पड़ रहा, और सही और यानी कि सड़े गले अनाज या सड़े गले फलों को अलग करने में और अच्छे फलों को अलग करने में कुछ तो मेहनत पड़ेगी, और अगर आपको उस मेहनत का कोई फायदा ही नहीं मिल रहा तो आप क्यों करोगे? आई बात समझ में? तो हमें ये समझ में आया कि यार हमारे यहाँ जो किसान है उनके पास जमीन तो है नहीं खुद की। बहुत सारे किसान है बेचारे जो किसी दूसरे की जमीन पर काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे किसान है जो बटाई पे काम कर रहे हैं। बटाई क्या है? काश्तकार भी बोलते हैं। मेरे पास जमीन नहीं है, मैंने आपसे बोला कि आपके पास जमीन है, मैं आपकी खेती पे काम करूंगा, सब कुछ मैं करूंगा, पूरी मेहनत मेरी होगी, आप जमीन की वजह से पैसा ले लो, बाकी मुझे थोड़ा सा काम दे दो, मुझे काम भी मिल जाएगा, मुझे खाने को भी मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे हमारे देश में किसान थे, ऐसे ही लैंडलेस लेबरर्स थे, बहुत सारे ऐसे थे जिनके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है, बेचारे दूसरों की खेती में काम करते थे। तो जो ऐसे लोग थे उनके लिए सोचा गया कि अगर हम इनको सीधी सीधी जमीन दे दें, क्यों दे दें? क्योंकि जमींदार हमारे देवदास तो भाई शहर में बैठ करके पारों से मोहब्बत कर रहे हैं, है ना? जो हमारे जमींदार अमरीश पुरी जैसे, अमरीश पुरी साहब जमींदार नहीं थे, उन्होंने इस तरह के बहुत सारे रोल्स प्ले किए और बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते थे, तो उनके एक्टिंग का मैं फैन हूं। लेकिन जिस तरह के वो रोल्स करते थे उसमें क्या होता था, बहुत सारे ऐसे जमींदार हैं जिनको कोई लेना देना नहीं है, शहर में बैठे हुए हैं। कहां बैठे हुए हैं? शहर में, और जमीन में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, ना वो आपको फर्टिलाइजर्स दे रहे हैं, मतलब खाद नहीं दे रहे, ना ही वो आपको अच्छे बीज दे पा रहे हैं। उनकी कमी भी थी, उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, लेकिन जो कुछ संभव था, सिंचाई की व्यवस्था नहीं करा रहे हैं, उन्हें तो सिर्फ लगान लेना है। और जो किसान था बेचारा, वो क्या सोचता था? वो सोचता था कि यार हमें किसान, मैं तो एक किसान हूं, मुझे उनको हमेशा इतना लगान तो देना ही पड़ता है। तो किसान ही कोशिश करता था कि हम ज्यादा से ज्यादा जितनी पैदावार कर पाए उतनी पैदावार कर लें, और क्या पता मुझे अगली बार ये जमीन मिले या ना मिले। तो उसको जमीन से कोई मोहब्बत नहीं थी, किसान को भी मजबूरी थी, क्योंकि किसान के पास कोई प्रेरणा नहीं है। हम लोगों ने क्या लिखा हुआ, स्वामित्व एवं प्रेरणा। तो स्वामित्व तो है नहीं उसका, स्वामित्व मतलब क्या होता है कि मैं इस चीज का स्वामी हूं, ये चीज मेरी है, मैं इस चीज का मालिक हूं, समझ रहे ना आप? उसका मतलब होता है स्वामित्व, उसको इंग्लिश में बोलते हैं ओनरशिप, OWNERSHIP, ओनरशिप। मेरी ओनरशिप नहीं है, अगर मेरी ओनरशिप नहीं है ये जमीन, कल मेरी रहे ना रहे, इससे अच्छा है कि एक बार में इससे जितना मुनाफा निकाल लो निकाल लो, भले ही इसकी उर्वरक क्षमता, उर्वरक क्षमता मतलब प्रोडक्टिविटी, जो वो चीज बना सकती है, कितनी अच्छी पैदावार हो सकती है, उससे मुझे लेना देना नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक बार तो बहुत मेहनत कर सकता हूँ, फिर अगली बार मैं किसी और की जमीन ले सकता हूँ। तो एक किसान के रूप में मेरे पास कोई प्रेरणा नहीं है, कोई इंसेंटिव नहीं है, कोई इंस्पिरेशन नहीं है कि मैं इस जमीन को हमेशा के लिए अच्छा बना के रखूं। लेकिन अगर वहीं पर क्या कर दिया जाए, अगर किसान को सीधे जमीन दे दी जाए, किसान को बोला जाए कि ये जमीन तुम्हारी है, अब किसान को लगेगा यार कि अगर मैंने इसको अच्छे से, इसमें खाद नहीं डालता रहा, हमारे यहाँ गोबर की खाद भी बहुत यूज की जाती थी जो बहुत अच्छी होती थी, वो हर तरह से जमीन की उर्वरक क्षमता को धीरे धीरे करके बढ़ाती थी, अचानक से नहीं बढ़ाती थी लेकिन कुछ खराब नहीं होने देती थी। तो किसान को अब ये समझ में आने लगेगा, अगर उसको जमीन दे दो आप तो उसको ये क्या समझ में आएगा, उसको ये समझ में आएगा कि यार अब तो ये जमीन मेरी ही रह रही है, आज से एक साल बाद अगर मैंने अच्छे से काम नहीं किया तो सकता अगले साल अच्छी पैदावार ना हो। तो जमीन की क्वालिटी, जमीन की जो क्षमता है वो अच्छी बनी रहे, इस पर ध्यान कब दिया जा सकता है, जब आप उनको मालिक बना दो सीधे सीधे, किसको, जो लोग वास्तव में खेती कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो ये हमें सीख कहां से मिली, सोवियत संघ की गलती से। कहां से? सोवियत संघ की गलती से, है ना? से सीख तो है लेकिन उनकी गलती से सीखा, यहां पर ध्यान रखना। तो क्या किया हमारे जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं भूमि सुधार करते हैं। क्या करते हैं? भूमि सुधार। भूमि सुधार का मतलब क्या हुआ कि बहुत कम लोग थे देश में जिनके पास जमीनें हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने ऐसी व्यवस्था बनाई थी, उसके पहले भी ऐसी व्यवस्था चल रही थी लेकिन अंग्रेजों ने उस व्यवस्था को बहुत ज्यादा मजबूत कर दिया था, उसको एकदम ढांचेगत ऐसा बना दिया था ढांचा कि बहुत कम लोग हैं जिनके पास बहुत सारी जमीन पड़ी हुई है। तो हुआ क्या कि अब जमीन तो मेरी है वो, और हमारे संविधान में क्या हो रहा था, एक फंडामेंटल राइट था, एक मौलिक अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग सातवां मौलिक अधिकार भी कहा करते थे, अभी तो छह रह गए हैं। तो उसमें क्या होता था कि किसी इंसान की जो जमीन है वो उसकी रहेगी, उसका मौलिक अधिकार है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। तो हमारे देश में एक संवैधानिक संशोधन लाया गया, समझ रहे हैं आप, और उस कानून को जो बनाया उसमें भी कई कमियां रह गई। तो संवैधानिक संशोधन लाना बहुत कठिन होता है, संवैधानिक संशोधन लाने में बहुत सारे ऐसे पैसे वाले लोग थे जिनके जो सांसद थे वो बहुत करीबी थे, और कई सांसद भी ऐसे थे जो खुद जमीन वाले लोग थे, खुद ही जमींदार हैं। तो उन लोगों ने इसको पास नहीं करने की कोशिश भी की लेकिन वो पास हो गया। लेकिन जब वो पास हुआ उतने उन लोगों को समय मिल गया, क्या मिल गया, समय मिल गया। तो बहुत सारे लोगों ने वही जमीन अपने नातेदार रिश्तेदार उनके नाम पर कर दिया। क्यों? क्योंकि जो भूमि सुधार था उसमें क्या चीज की गई थी,
उसमें किया गया था हदबंदी। हदबंदी समझते हैं आप, हदबंदी में यह था कि आपकी बस इतनी जमीन रहेगी, इसके ऊपर एक इंसान जमीन नहीं रख सकता है। समझ रहे हैं आप? जैसे मान लीजिए अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह का संख्या दी गई थी कि कितनी जमीन रख सकते, क्यों? क्योंकि अलग अलग जगह पर जमीन की अलग अलग तरह की उर्वरक क्षमता है, जमीन की कितनी उपजाऊ है वो अलग अलग तरह की जमीन अलग अलग जगह पर है। जैसे गंगा यमुना का दोआब है, मैं वहीं से आता हूँ, तो हमारे यहाँ की जमीन बहुत ही ज्यादा अच्छी मानी जाती है ना। गंगा है यमुना, उसके बीच की जो जगह है वो पूरी दुनिया में बहुत अच्छी उपजाऊ जमीनों में से मानी जाती है। ऐसे ही आप बांग्लादेश चले जाओगे, आप पश्चिम बंगाल में जहां पर सुंदरबन डेल्टा है वहां की जमीन भी बहुत अच्छी पैदावार करती है। तो जो जमीन थी ना वो लगभग मान लीजिए कि 10 एकड़, अलग अलग जगह पर अलग अलग संख्या थी, लेकिन एक जगह पर ऐसा भी था, कुछ जगह पे तो ऐसा किया गया कि कोई भी एक इंसान है वो 10 एकड़ से ज्यादा एक इंसान के नाम पर जमीन नहीं हो सकती। अब मेरे पास, मैं मान लीजिए बहुत ही भ्रष्ट और पुरानी मेरी पुश्तैनी जमीन मुझे मिली हुई है, मेरे पास 150 एकड़ है, तो मैं अपने रिश्तेदारी में हर इंसान के नाम पर 10 एकड़ कर दूंगा, है ना, जिससे कि वो वास्तव में जमीन है वो किसानों को मिल ना पाए। लेकिन फिर भी अब देखिए यहाँ पर एक और चीज आती है, समझिएगा, राजनीति का भी थोड़ा लेना देना होता है। राजनीति में भी कुछ कुछ राजनीतिक विचारधाराएं हैं। एक को हम लोग बोलते हैं वामपंथी, क्या बोलते हैं? वामपंथी। और एक को बोलते हैं दक्षिणपंथी। तो जो वामपंथी लोग उनको वामपंथी क्यों बोला जाता है? तो जब फ्रांस में क्रांति हुई थी तो जो लोग बाईं तरफ बैठे हुए थे उनको वामपंथी बोल दिया गया, बाईं तरफ बैठ करके जो अपनी बात कर रहे थे, तो बाईं तरफ वाले जो लोग बात करते हैं उस तरह की जो बात करते हैं उनको आज हम लोग वामपंथी बोलते हैं, और उनको हिंदी में वामपंथी कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिस्ट। तो भारत में 2-3 ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल रहे हैं जो कम्युनिस्ट विचारधारा के थे, और वो कहते थे कि समाज में चीजें बांट दो। तो सोचिए जो इस विचारधारा के लोग होंगे वो क्या कहेंगे? वो क्या ये कहेंगे कि जमींदारों के पास जमीन रहनी चाहिए? नहीं, वो ये बोलेंगे कि सारे लोगों को जमीन दे दो, कोई भी ऐसा ना हो जिसके पास बिल्कुल भी चीजें ना बचे खाने पीने के लिए। और उन लोगों की कई चीजें अच्छी नहीं भी रही, लेकिन यहाँ पर उनकी सरकार केरल और पश्चिम बंगाल, और आज भी केरल और पश्चिम बंगाल में उन लोगों का थोड़ा थोड़ा दबदबा है राजनीतिक तौर पर। हालांकि हमारे देश में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी काफी हद तक कमजोर हो गई है अभी। तो कम्युनिज्म में क्या हुआ था, जो कम्युनिस्ट पार्टीज थी, जो ऐसे राजनीतिक दल थे जो उस समय केरल और बंगाल में, पश्चिम बंगाल में क्या कर रहे थे, उनकी सरकारें थी, तो वो लोग कमिटेड थे। कमिटेड समझते हैं कि प्रतिबद्ध है कि हम ये करके रहेंगे। तो बहुत सारे लोगों को एक ही झटके में क्या हुआ था, लगभग 200 लाख, मतलब क्या हुआ 200 लाख का मतलब क्या हुआ, लगभग 2 करोड़ पूरे देश में इतने सारे काश्तकारों को या बटाई पे काम करने वालों को या भूमिहीनों को, इतने सारे लोगों को जमीन दे दी गई थी। कहां से, किससे छीन करके? जमींदारों से। लेकिन वो लोग चले गए न्यायालय कि आपका ये कानून सही नहीं है, इसमें ये गड़बड़ है, फिर संवैधानिक संशोधन करना पड़ा। तो उन सब में बहुत सारे लोगों ने अपनी जमीन किसी रिश्तेदार के नाम पर कर दी, अपने अपने रिश्तेदारों के नाम पर कर दिया। बहुत सारे ऐसे भ्रष्टाचारी लोग करते हैं। लेकिन केरल में, कहां कहां पर, केरल और बंगाल की जो वहां की सरकारें थी ना वो बहुत ज्यादा अडिग थी, और जो जमीन है वो हमारे यहाँ पर राज्य सूची में आता है। जैसे दिल्ली है, दिल्ली पूरा प्रदेश नहीं है, तो दिल्ली में क्या है, 3 चीजें हैं, लैंड यानी कि जमीन, लॉ एंड ऑर्डर मतलब कानून व्यवस्था, और तीसरी चीज वहां की पुलिस। ये सारे के सारी चीजें केंद्र सरकार के पास आ जाती है, क्योंकि दिल्ली जो है पूर्ण राज्य नहीं है, लेकिन बाकी के जो भी राज्य होते हैं उनमें ये तीनों चीजें राज्य के अंतर्गत आती हैं, लॉ एंड ऑर्डर, लैंड और पुलिस। उसमें लॉ एंड ऑर्डर वाला अगर सिचुएशन बहुत खराब हो रही होती तो केंद्र के हाथ में भी आ जाता है, लेकिन आमतौर पर आप ये समझ लीजिए कि ये तीनों जो है वो राज्य के इशू है। तो मैं इसे क्यों बताने लगता हूँ आपको, कभी कभी पॉलिटी किसको बोलते हैं, राज व्यवस्था या फिर नागरिक शास्त्र को क्यों पढ़ाता हूँ, क्योंकि यार जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें अलग अलग चल रही है, आइसोलेशन में नहीं चल रही है। ऐसा नहीं हो रहा कि कोई चीज एकदम अलग हो रही है, कहीं पर कुछ एकदम अलग हो रहा है। तो हो क्या रहा था कि केरल में और बंगाल में किसानों को जमीन बहुत अच्छे से दी गई। क्या हुआ, जमींदारों से जमीन छीन करके बहुत अच्छे से किसानों को जमीन दी गई। और इस वजह से अगर आप देखेंगे ना तो केरल और बंगाल में जो किसान है, आमतौर पर अगर आप उत्तर प्रदेश से या बिहार के किसानों से तुलना करेंगे तो उनकी आर्थिक स्थिति आज बेहतर है। क्यों? क्योंकि वहां की सरकारों ने यह काम किया था, देश पर भी किया, देश पर भी इतने सारे 200 लाख लोगों को एक झटके में जमीन मिलना स्टार्ट हो गई, यानी कि 2 करोड़ किसानों को। सोचिए कितने सारे परिवारों को फायदा हुआ होगा। लेकिन कानून में कमी, न्यायालय चले जाना, बीच में समय मिल जाना संवैधानिक संशोधन का, इस वजह से बहुत सारे लोगों से जमीनें वापस ले ली किसने, उन्हीं दबंग जमींदारों ने। तो हुआ क्या, ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूं कि हम लोगों ने बहुत कुछ करने की कोशिश की, पाकिस्तान में आज तक भूमि सुधार अच्छे से नहीं हो पाया, भारत में एकदम स्टार्टिंग में हो गया था, और उसमें भी 2 प्रदेशों ने मिसाल कायम की थी। तो आज क्या हुआ है कि हम लोगों ने किस उद्देश्य से करने की कोशिश की, कहां से हमें सीख मिली सोवियत संघ की गलती से, और उसके बाद से हमने करने की कोशिश की, काफी हद तक कई जगह पर बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हुआ, कई जगह पर उतनी अच्छी सफलता नहीं मिली, लेकिन फिर भी भूमि सुधार जो है ना वो उसने हमारे देश में क्या किया,
समानता बढ़ा दी। अब ऐसा नहीं था कि किसी के पास तो पूरी जमीन है और बाकी बहुत सारे लोगों के पास बिल्कुल जमीन नहीं है, तो समानता बढ़ाने का काम किया। साथ में जैसे जैसे किसानों को उनकी जमीन मिलना स्टार्ट हो गई, उनको समझाया कि मैं ही मालिक हूं, तो उन्होंने क्या किया, जमीन में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, जमीन से उन्हें प्यार होना उनका स्टार्ट हो गया, तो वहां से हमें ग्रोथ भी दिखना स्टार्ट हुई, समृद्धि भी होने लगी, और आधुनिकीकरण में भी उन्होंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, फिर अच्छे बीज और ये सब खरीद जा सकते थे। उसके लिए हमारे केंद्र सरकार ने बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय बनाए जो लोग कृषि पर आधारित विश्वविद्यालय थे, तो उनका भी काम लिया गया। और आत्मनिर्भरता तो हो ही जाएगी यार, जब देश में ज्यादा खाद्यान्न बनने लगेगा, सारे लोग जब अच्छा अच्छा काम करने लगेंगे खुद सारे। एक मूवी है न्यूटन, इंग्लिश की नहीं है, हिंदी में मूवी है, राजकुमार राव है, काफी अच्छे अभिनेता लगते हैं मुझे, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक से मूवी बनाते हैं। तो न्यूटन मूवी में एक जगह पर डायलॉग होता है और दूसरे कैरेक्टर है वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, संजय मिश्रा नाम है उनका। तो एक सीन आता है मूवी में जिसमें न्यूटन जो होता है वो हमेशा, उसका नाम नूतन होता है, तो उसको लगता है कि नूतन तो लड़कियों का भी नाम होता है, इसलिए वो न्यूटन से बदल करके न्यूटन नाम रख देता है, नू का उसने न्यू कर दिया, तन का टन कर देता है। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि उसमें संजय मिश्रा जी राजकुमार राव को बोलते हैं कि ऐसा है तुम्हें देश सेवा अगर करनी है तो तुम अपना काम ठीक से करते जाओ, अगर सारे लोग अपना काम ठीक से करने लगेंगे तो देश सेवा होती जाएगी। और वो डायलॉग बहुत अच्छा है, हुआ क्यों, क्योंकि अगर हर किसान अच्छे से उत्पन्न करने लगेगा क्या अनाज, तो फिर भुखमरी हो ही नहीं सकती है, फिर हम आत्मनिर्भर बन ही जाएंगे। तो हर इंसान की अपने अपनी प्रगति में भी देश की प्रगति छिपी हुई है, बसरते वो प्रगति समाज को नीचे ले जाने वाली ना हो। ऐसा नहीं हो कि आप झोला छाप डॉक्टर बने बैठे हो और लोगों को लूट रहे हो, उल्टी सीधी दवाएं दे रहे हो, या फिर चोरी चपाटी कर रहे हो, या अंडरवर्ल्ड में कुछ काम कर रहे हो, है ना, इस तरह के काम तो समाज को नीचे ले जाते हैं। लेकिन आप अपना सही काम ठीक से कर रहे हो, आपकी भी प्रगति हो रही है, तो देश की प्रगति होती है। तो हम लोगों ने यहाँ पर भूमि सुधार की बात कर ली, हम लोग इसी में हरित क्रांति की बात करेंगे, उसकी बात करेंगे जिसके बाद हमें कभी भी किसी दूसरे देश के सामने खाद्यान्न के लिए कटोरा फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।